किती वर्षाचे? ते पावणे तीन. पावणे तीन वर्ष. काय नाव काय तुझे? पुष्पा. बरं, इकडे बघू शकता व्हाईट कलर मध्ये आहे आणि तसे अंगात भरून आहे ते पण पाहू शकता. दोघा दोघांना हे जे घोडा आहे ना, दोघा दोघांना घोडा हे समानच आले. इतकी पॉवर आहे त्याच्या घोड्यामध्ये. कांसे आहे खातेदार हेमंत पाटील साहेब के उधर से. हेमंत भाऊ पाटील. हाँ क्या नाम क्या रखे? इसका नाम रफ्तार है. नाव काय आहे घोड्याचं? बगीरा. बगीरा. बगीरा कुठून आल्या? नांदेड. नांदेड एमआयडीसी. एमआयडीसी हून आल्या. काय किती वर्षाचा आहे? हा 32 महिन्याचा आहे. 32 महिन्याचा. दोन दात. काय हाईट काय? 63+. 63+ आहे अजून. चला अजून पाहू. या बॅक साईडला इथे एक वेगळ्या कलरचा घोडा आपल्याला पाहायला मिळाले. भाईजी क्या नाम आपका? यश. कहाँ से आए? नांदेड. नांदेड. सब घोड़े नांदेड से आए लग रहा है. हाँ, नांदेड से आए. क्या कितने कितने साल का है ये? 3.5 साल का है. 3.5 साल का है. क्या नाम क्या रखे इसका? गुरबाज. गुरबाज. हाइट क्या है इसकी? अभी 64 है. देखो 64+ है. 64+ है. ओके. बहुत ही बेहतरीन है. एकदम यूनिक कलर दिख रहा है इसका. हाँ. उदगीर साहब. उदगीर साहब. हाँ. क्या नाम क्या रखे? हिम्मत. 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 हिम्मत ना. हाँ. हिम्मत ची किम्मत. क्या किती के म्हणजे किती वर्ष? किती? 5 वर्ष. 5 वर्ष. हो. हाइट? हाइट क्या है? 63+. 63+ है. हो. प्राइस? 5 लाख रुपये. 5 लाख रुपये प्राइस है. हो. विक्रीसाठी? हो, विक्रीसाठी. विक्रीसाठी आणलं तुम्ही? नाही, शो साठी आणलं होतं. म्हणजे विक्री पण करायची? विक्री पण. हा, शो पण. बैठकीमध्ये काय कमी जास्त होते का? हो, होईल की. कॉन्टॅक्ट नंबर सांगून टाका आपलं. 99-23-188-186. चला, धन्यवाद. चला त्याच्या पुढच्या पहिल्या रिंग मध्ये घेऊन ये. न रे, बाकी प्रजाती कोणती आहे? ये काठवाड में आहे. काठवाड में. हां, संजय आपण. हां. इसमें अलग अलग प्रजाति रहती है? काठवाड, मारवाड, सिंध. अच्छा. ये जो लाइन से दिख रहे अभी, जो ये अपने ही है क्या? अपने ही है. तो अभी एक ही प्रजाति है अलग अलग है? ये सब अलग अलग है. अलग अलग. हाँ, ठीक है. अभी ये जो प्रजाति है कौन सी बोली है? ये काठवाड़ में है. काठवाड़ में. काठवाड़ में संजाब है. संजाब बोलते हैं. ये काले बाल आए. हाँ. संजाब बोलने हैं. काले बाल आए तो संजाब. हाँ. अब ये जो मालेगांव का बाजार पड़ता, यही बाजार में जाती है या दूसरे भी बाजार में जाती? दूसरे बाजार में जाती. सब बाजार करते हैं हम. मतलब खरीदी बिक्री आपका व्यापारी है? हाँ, व्यापारी है. फिर भी आप इसका क्या रेट जाएगा? इसके बोलने को 1.5 लाख बोलते. हाँ. 31 तक छोड़ देंगे. 31 तक छोड़. हाँ, ठीक. तो अभी यो आगे वाली वो देख लेंगे. ये कौन सी आदि? ये काठवाड़ में है. ये भी काठवाड़ में. हाँ, ये नर है. हाँ. वो बहुत चलने वाला है. हाँ. चाल चलने वाला. चाल चलने वाला. हाँ. वो जो घोड़े डांस वो जो करते तो वो भी सिखा सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं? हाँ, वो जो आप भी संजाब बताए ना अपन, ये संजाब. ये चाल भी चलता और नाच काम भी करता. ओके. हाँ. ये चलने वाला है रेवाल चाल. रेवाल चाल. क्या इसकी हाइट क्या है? इसकी 62 हाइट है. 62. क्या इसका क्या रेट जाएगा? इसके बोलने को 1.25 लाख बोलते. हाँ. कम ज्यादा दे देंगे. कम ज्यादा भी. हाँ. और ये आगे वाली बच्चा है. चार बार. चार दांत है ये. चार दांत. मतलब दांत के हिसाब से बोलते हैं, देखते क्या? हाँ, उम्र में कम ज्यादा आया तो रेट में कम ज्यादा होता ना. तो अभी पहचानते कैसे उम्र? उसके दांत पे समझता ना. दांत दो दांत चार दांत जैसे वो बकरी के देखते हो? हाँ, हाँ, वैसे 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 देखते. हाँ. तो अभी क्या फिर भी क्या साल का है? कितने साल के? ये 3 साल का बच्चा है. 3 साल. चाल भी थोड़ी चलता है, थोड़ा हल्का हल्का नाच काम भी है. मतलब चपल है एकदम. क्या इसका क्या रेट जाएगा? इसके ज्यादा नहीं, इसके सिर्फ 55 है. 55 है. हाँ. मतलब अभी कम उम्र. और भी कम हो जाएंगे उसमें. रेट में कम ज्यादा हो जाता है. हाँ. बैठे में जब बैठेंगे तो कम ज्यादा. हाँ, हाँ. ओके, चलो और आगे. ये वाली? ये नर है. ये नर है. हाँ, ये 4 साल का घोड़ा है. हाँ, हाँ. चाल को अच्छा है. इसका ये प्रजाति कौन सी? ये मारवाड़ में ही. मारवाड़ में. हाँ. इसकी क्या हाइट क्या है? इसकी 61 हाइट है. 61 में. हाँ. क्या इसका क्या?
प्राइस इसके 65 बता रहे हैं। 65 कम ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। ओके, मतलब हर एक अलग अलग प्रजाति के घोड़े हैं अपने पास, सब प्रजाति के मिल जाएंगे। हाँ, ये वाली ये मादी है, ये मादी है। ओके, कौन सी प्रजाति, कौन सी? ये मारवाड़ है, मारवाड़ में मादी है। हाँ, मार। क्या इसकी क्या उम्र है? ये ज्यादा उम्र की नहीं, नहीं। पाँच साल की। पाँच साल। अब ये जो घोड़े के जो रेट ठहरते कम ज्यादा होते ना, जो हाँ रेट है, तो ये कौन से हिसाब से लगाते, समझा? उम्र के हिसाब से लगाते, उम्र या उसके से उसको बाल भौरी का देवमन कंटा। हाँ, ये भौरे सब बरोबर आए तो उसकी कीमत बढ़ गई बोलने का। हाँ, उसके हिसाब से रेट कम ज्यादा रहे। हाँ, अब इसका क्या जाएगा रेट? इसको इसके बोलते 80, कम ज्यादा हो जाए। आगे देखेंगे, चलो। ये वाली ये काठवाड़ में, काठवाड़ में। हाँ, पहचानते कैसे जाते इसकी? मतलब ये कान छोटे बड़े हमको समझ में आता, व्यापारी लोगों को समझ में आता। व्यापारी लोगों को, हाँ, जो जिसको मालूम आता है वो देख के बरोबर सब बोलता कि ये घोड़ा ये जात का है करके, उसके हिसाब से। हाँ, मतलब कान के हिसाब से, बालों के हिसाब से, चेहरे। हाँ, कान में, शरीर में। हाँ, जो संभालने वाला है उसको समझ आता है ये कौन सी जात का है। उसके हिसाब से। इसका क्या जाएंगे रेट? शादी बारात की पक्की है सब है। हाँ, इसके 55 बोल रहे। 55। हाँ, ये कौन सी है? ये मारवाड़ है। ये मारवाड़ है, चार दांत में है ये। हाँ, बाल भौरी की अच्छी है, हाइट भी 62 है उसकी। 62 62। चाल की बहुत नंबर एक की चलती, मतलब ये नाचना वो दो पैर पे नाचती भी है, चाल भी चलती, सब काम की चालू सब सब। हाँ, मतलब सिखाएगा तो बहुत जल्दी सीख भी जाती, सीख भी जाएंगे और भी ज्यादा, और सीखे वाली भी है, पहले भी सीखे वाली। हाँ, क्या इसकी इसकी क्या जाएगी प्राइस? इसके 1,60,000 बोल रहे। 1,60,000। हाँ, कम ज्यादा हो जाएंगे वो भी, कम हो जाएगी। ये भी मारवाड़ में, ये कौन सी है? ये भी मारवाड़ में, ये भी मारवाड़ में। हाँ, ये भी बाल भौरिक सब अच्छी है, देवमान वगैरह सब है, हाइट की भी अच्छी है। देवमान मतलब? देवमान मतलब ये यहाँ गो मार जाती है, ऐसा है क्या? तो ये शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में, शुभ माना जाता है देवमान कंठा। हाँ, उसके हिसाब से कीमत हो जाती है। कीमत हो जाती। तो वो अगर ज्यादा भौरे आए, देवमन ने आया, कुछ नहीं आया, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। उसके हिसाब से। हाँ, इसकी क्या जाएंगे अभी राइट? इसके इसके 140 बोल रहे। 140। हाँ, देवमान की वजह से? नहीं नहीं, देवमन की बात नहीं, कुछ हाथा पैरा में अच्छी चाल चलना, मतलब मजबूत भी रहना। हाँ, मजबूत भी रहना उसके हिसाब से। हाँ, सब बात में अच्छा है कि कीमत बढ़ गई। हाँ, वैसे सही। और ये लास्ट वाली, ये सिंध है। सिंध। हाँ, आदत बच्ची है अभी, सवारी नहीं है इसकी। हाँ, तो अभी जब बढ़ेंगी तब उसके हिसाब से। अभी 6 महीने उस पर सवारी नहीं करनी। नहीं कर। हाँ, कितने उम्र के बाद सवारी चालू होती है घोड़ी की? 2 साल के आगे, 2-2.5 साल को। 2-2.5 साल के मतलब मजबूत हो जाती पीठ। हाँ हाँ, उसके हिसाब से सवारी कर सकते। सवारी अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट बढ़ती नहीं उनकी। हाँ, वजन गिरने की वजह से। हाँ, अभी इसका अभी कौली है ना, समझो ये आदत बच्ची है अभी। तो अब इसका रेट कम होगा फिर? कम नहीं, इसका ज्यादा है। ज्यादा रहता इसके 2 लाख। 2 लाख की है? हाँ, ये सिंध है, ये जात अपने तरफ मिलती नहीं, चलने वाली बहुत रहती है। ओके, चाल चलने वाली, मतलब ओरिजिनल सिंध है ये। हाँ, हाँ, इसलिए 2 लाख की है। हाँ, कम ज्यादा होगा। हाँ, वो तो हो जाएगा। हाँ, अब ये सब जितने भी अपन देखे उसमें सबसे महंगी वाली तो यही दिख रही, 2 लाख बोले तो। हाँ, ये चलने वाली वो है तो। हाँ, मतलब क्वालिटी है इसकी वजह से। हाँ, रेट है। अरे ये जो बताया तुमको नर मादा सब, ये किसान लोगों के काम के कम रेट वाले है। हाँ, घर अपने को होना भी होगा, भारी भी होना होगा, 10 लाख तक भी घोड़ा है अपने पास। हाँ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर ले तुम, फोन कभी भी करो घर, मतलब अपना पूरा व्यापारी यही है खरीदी बिक्री का। हाँ, जितने भारी से भारी बोले तो भारी भी मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, कम से कम भी मिल जाएंगे। हाँ, हाँ, अभी ये जो बाजार है, अभी ये जो बाजार भरा मालेगांव का घोड़े का बाजार, तो अभी ये खत्म हो जाएगा बाद में आप कॉन्टेक्ट अगर कैसा करना है कॉल, मोबाइल नंबर होगा ना? ठीक है, एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए। लो 5858-5556। हमारा गाँव केज तालुका बीड जिला। बीड जिला। हाँ, गांव सालेगांव। नाम? काजी सुलेमान। थैंक यू।